अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर सेवन के अंदर हम ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस पार्ट टू पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस पार्ट वन देखा था और आज हम इसका पार्ट टू देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट लास्ट वीडियो में हमने बेसिक तीन ऑपरेटर्स पढ़े थे जो हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट और रिलेशनल ऑपरेटर थे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास एडिशन सब्टशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ गया था असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हमारे पास इक्वल साइन जो होती है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में आ गई थी जो वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है और रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास कंडीशन आ गई थी जो जिसको हम टेस्ट कंडीशन कहते हैं जो हमारे लूप्स के अंदर या फॉर सम रीज़न या किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इफ इफ़ कंडीशन या सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कोई भी हो सकते है जैसे के लेस देन इक्वल टू फिफ्टी ये हम सब जब बातें डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वाली वीडियो देखें उसके बाद इसका पार्ट टू देखें क्योंकि उसके अंदर उसके आज की वीडियो के अंदर हम पार्ट वन के रेफरेंस के हिसाब से ही चीज़ें पढ़ेंगे अब हम अब हम अपना स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर जो हमारा स्टार्ट है कि हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने जो था वो इंक्री अर्थमेटिक इंक्रीमेंट और असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था और आज हम लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज फॉर बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशन वी हैव लर्न बिफोर दैट ओनली वन कंडीशन कैन बिल्ड यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर वैन वी वुड वैन वी बिल्ड मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल स्टेटमेंट्स वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास जब हमें कंपाउंड कंडीशन बनानी होती है मल्टीपल कंडीशन बनानी होती हैं तो क्या होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन तरह के होते हैं एंड और और नोट अगर आपने डिजिटल लॉजिक या लॉजिक सर्किट डिटेल में पढ़े हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर भी उसी से बिल्कुल मुशाबियत रखते हैं और बिल्कुल ऐसे ही हैं कि ऐसा क्यों है क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेसर होता है या कोई भी चिप होती है वो सारी मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर पर बेस होती है और ट्रांजिस्टर किसके ऊपर बेस होता है इसी डिजिटल लॉजिक या लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट के ऊपर जो के होते हैं एंड और और नॉट इसीलिए हम इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़ते हैं सी लैंग्वेज के अंदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस सी शार्प जावा सी एसक्यूएल पाइथन जो भी होती है हमारे पास उसके अंदर हम ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर भी इस्तेमाल करते हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर अब हमने लॉजिकल ऑपरेटर तो देख लिया कि जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं वो क्या हो, वो वो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और जहाँ पे हमारे पास सिंगल कंडीशन थी तो उधर हम रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे थे जैसे के लेस देन इक्वल टू तो फाइव या टेन इज इक्वल टेन इक्वल टू इक्वल टू टेन इस तरह की जो थी वो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स थे या रिलेशनल कंडीशन थी लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो दो कंडीशन हो कि अगर ये बात ट्रू होगी और कोई दूसरी बात भी ट्रू होगी तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा यानी कि मल्टीपल कंडीशन हो गई तो लॉजिकल ऑपरेटर इसीलिए हमें इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि हम मल्टीपल कंडीशन का इस्तेमाल करें इनकी बेसिक थ्री टाइप्स हैं एंड और और नॉट सबसे पहले हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर देख लेते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है एंड ऑपरेटर इज़ यूज वेयर टू कंडीशन आर इवेलुएटेड वन इज़ ऑन लेफ्ट एंड अदर इज़ ऑन राइट साइड ऑफ एंड ऑपरेटर रिटन विद इन रिटन इन रिलेशनल एक्सप्रेशन यानी कि एक कंडीशन जो होती है वो राइट साइड पर होती है एक लेफ्ट साइड पर होती है और ये दोनों जो कंडीशन होती हैं ये रिलेशनल एक्सप्रेशन होती हैं इनके जो सेंटर के अंदर या बीच के अंदर जो है वो हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर नॉट या कोई सा भी ऑपरेटर लगता है एंड ऑपरेटर हमारे पास जो होता है वो एम परसेंट डबल एम परसेंट की साइन से शो होता है एम परसेंट जिसको हम इंग्लिश के अंदर एंड कहते हैं उसको अगर वो तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म के लिए कह लेते हैं कि एंड यहाँ पे इस्तेमाल होता है लेकिन इसका नाम भी एंड है तो इसको जो साइन है इसकी वो भी एम परसेंट ही है जिसे एम परसेंट कहते हैं हम एंड एंड यानी कि डबल एम परसेंट के साथ हम इसे शो कराते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे पास कि जब इसके पास इनपुट लेगा ये अगर हमारे दोनों इनपुट ट्रू होंगे तो ही ये रिजल्ट ट्रू बनाएगा अदरवाइज ये क्या करेगा ये रिजल्ट फॉल्स कर देगा सेंटेस ऑफ एंड ऑपरेटर

कि हमारे पास और ऑपरेटर जो होता है वो वो भी बिल्कुल सेम सिटेक्स में लिखा जाता है एक कंडीशन लेफ्ट पे एक कंडीशन राइट right पे और बीच में और ऑपरेटर और ऑपरेटर के अंदर ये डबल लाइन जो होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल लाइन जो होती है ये शो कराती है कि ये और ऑपरेटर है इसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स भी सेम है कि जहाँ हमारे पास एंड ऑपरेटर आ रहा था वहाँ अब हम और ऑपरेटर लगा देंगे इसके अंदर क्या होता है जैसा कि और गेट काम करता है और गेट हमारा कैसे काम करता है कि अगर कुछ भी इनपुट वन होता है या ट्रू होता है तो वो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू कर देता है इसी तरह इसके अंदर भी यही होता है कि अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो रिज़ल्ट ट्रू हो जाता है अब मैं आपको इन दोनों की एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ एंड ऑपरेटर की और और ऑपरेटर की एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ही रिज़ल्ट ट्रू होगा जैसे कि हमने इफ़ल्स की कंडीशन जो हमने देखी थी सी लैंग्वेज के अंदर उसके अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे हम कंडीशन दे रहे थे कि अगर मार्क्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू हो एटी के यानी कि एटी हो या एटी से कम हो और मार्क्स जो हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सेवेंटी के यानी कि सेवनटी हो या सेवेंटी से ज़्यादा हो तो क्या हो हमारे पास ए ग्रेड प्रिंट हो जाए कि यानी कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी मार्क्स ग्रेटर देन सेवनटी होंगे और मार्क्स लेस देन और इक्वल टू एटी के होंगे यानी कि सेवनटी से लेके कर सेवेंटी नाइन तक हमारे जितने भी मार्क्स होंगे उन सब पे क्या होगा ए प्लस ग्रेड प्रिंट होगा जैसे ही मार्क्स हमारे एटी एटी वन या एटी टू पर जाएंगे क्या हो जाएगा ग्रेड चेंज हो जाएगा ग्रेड ए प्लस जो हमने दिया होगा वो प्रिंट हो जाएगा जबकि और ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता और ऑपरेटर के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल है एम एम है वेरिएबल लेकिन ये मार्क्स नहीं है ये ऐसे ही सिंपल वेरिएबल है इसके अंदर क्या है कि एम की वैल्यू लेस देन है फिफ्टीन से बीच में और ऑपरेटर और एम की वैल्यू ग्रेटर देन है थर्टी फाइव से यानी कि एन की वैल्यू जो हो छोटी हो पंद्रह से और बड़ी हो थर्टी फाइव से ये कंडीशन कभी बनी नहीं सकती इसके अंदर एक ट्रू हो सकती है दोनों ट्रू हो ही नहीं सकती क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो फिफ्टीन से छोटी और थर्टी फाइव से बड़ी हो या थर्टी फाइव से छोटी हो और फिफ्टीन से बड़ी हो इसी तरह यह हमारे पास इस तरह से होता है अब अगर हमने इसके अंदर एंटर कर दिया कि एम हमारे पास वेरिएबल है और हमने इसको वैल्यू दे दी ट्वेंटी फाइव तो क्या होगा इसकी वैल्यू जो है इस टाइम पे तो कोई रिज़ल्ट प्रिंट ही नहीं करेगा ये एन की वैल्यू अगर बड़ी होगी थर्टी फाइव से या छोटी होगी फिफ्टीन से तो ये रिजल्ट देगा और अब अब हम इसको वैल्यू देते हैं इसको हम वैल्यू देते हैं फ़ाइव अगर हमने इसको वैल्यू फ़ाइव दे दी तो हमारे पास क्या हुआ एन लेस देन फिफ्टीन एक कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा एन इज़ इक्वल्स टू फाइव अगर हम इसको एन फोर्टी दे देते हैं एन इज़ इक्वल्स टू फोर्टी तो भी हमारे पास क्या हुआ प्रिंट हो जाएगा क्यों क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन थर्टी फाइव हो गई और ऑपरेटर हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिज़ल्ट ट्रू आना चाहिए वहाँ पर हम और ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं अब हम अपना लॉजिकल नॉट ऑपरेटर देख रहे हैं नॉट ऑपरेटर इज़ यूज इन सिंगल कंडीशन इट गिव रिजल्ट ट्रू इफ इनपुट इज फॉल्स एंड गिव ट्रू विथ इनपुट इज फॉल्स यानी कि अगर हमारे पास रिजल्ट रिजल्ट जो हो वो ट्रू कब आएगा जब हमारे पास इनपुट फॉल्स होगा और अगर इनपुट हमारे पास ट्रू होगा तो रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा यानी कि अगर आपके पास इनपुट जो है वो ट्रू है रिज़ल्ट आपका नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए फॉल्स आएगा और अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है तो इनपुट करते हुए इसे ट्रू आएगा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी या इंट्रडक्शन साइन जो होता है हमारे पास इससे शो कराते हैं इसका सिंटेक्स यही होता है कि साइन ऑफ़ एक्सक्लेमेशन कंडीशन से पहले आ जाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जस्ट इसे इन्वर्स करा देता है लॉजिकल और ऑपरेटर कोई भी एक कंडीशन पार्टिकुलर कंडीशन मेट होने पर हमारे को रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस करके दे देता है और एंड ऑपरेटर मोस्टली ज़्यादातर जगहों पर हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है वो आसान होता है और हमारे पास कोई सी कंडीशन नहीं होती और हम रियल लाइफ या रियल टाइम सिनेरियो में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो रही हो और एक कंडीशन फॉल्स हो रही हो हो सकता है ऐसा लेकिन हम जब नंबर्स की फॉर्म में देख रहे होते तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता अब हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी वैल्यू लेस देन फिफ्टी और ग्रेटर देन थर्टी फाइव से हो या तो वो लेस देन देफ्टीन होगा या ग्रेटर देन थर्टी फाइव होगा तो एक कंडीशन ट्रू हो सकती है लेकिन हमने जो ग्रेट्स वाला मामला देखा था कि उसके अंदर हमारे पास वैल्यू जो है वो लेस देन सेवनटी भी हो सकती है और लेस देन एटी भी हो सकती है दोनों कंडीशन वैलिड है ट्रू हो सकती हैं तो इनपुट हमारे पास ट्रू ही प्रोड्यूस करेगा जब दोनों मैट करेंगे ल्यू दे दे 68 तो भी हमारे पास वो मैच नहीं करेगा क्यों क्योंकि वो बोलेगा कि आपके जो रिक्वायर्ड कंडीशन है ये उसके हिसाब से नहीं है अब हम अपना लास्ट लास्ट ऑपरेटर देख लेते हैं जो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज करना डिक्रीमेंट यानी कि घटाना या कम करना इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है ये इनका डिफ़ॉल्ट मैंने इसकी जो स्टेटमेंट लिखी है ये डिफ़ॉल्ट लिखी है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर आप डिफ़ॉल्ट टाइप में देते हैं या उसकी जो प्री डिफाइंड टाइप होती है उसमें देते हैं एन प्लस प्लस में तो क्या होगा वो सिर्फ इंक्रीमेंट वन कराएगा लेकिन अगर आपको वन से बढ़ाना है तो इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा इसकी वैल्यू जब चेंज होगी तो ही इसका रिजल्ट फिर अगर आपको इंक्रीमेंट बाय टू कराना है तो आपको इसको एन रिक्वल्स टू एन प्लस टू देना नहीं है टू देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप इसे एन रिक्वल्स टू एन प्लस वन दे दें दे और आप एक्सपेक्ट करें कि इसकी वैल्यू जो है वो टू में इंक्रीमेंट हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा और डिक्रीमेंट में भी यही सेम बात है कि डिक्रीमेंट में भी ऐसा ही करना पड़ेगा आपको कि अगर माइनस वन कराए तो वो माइनस वन ही करेगा ये नहीं होगा कि वो माइनस टू कर देगा यही इनमें बात यही इनकी मेन बात होती है और इसके अंदर इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं प्रीफिक्स और पो, पोस्टफिक्स एंड जब हमारे पास बाद में लिखा होता है तो वो पोस्ट फिक्स हो जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले लिखा होता है तो वो हमारे पास प्रीफिक्स हो जाता है प्रीफिक्स प्रीफिक्स मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़े हुए होंगे लेकिन पोस्ट फिक्स होता है हो सकता है आपने नहीं देखे हों प्रीफिक्स सिंपली वही होते हैं जो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं जैसे सेंटी मिली गीगा बीगा ये सारे जो होते हैं हमारे पास ये प्रीफिक्स होते हैं तो जब हमारे पास पहले आ जाए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से प्रीफिक्स हो जाता है बाद में आ जाएगा पोस्टफिक्स हो जाएगा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता सेम वैल्यू होती है सेम आंसर आता है सेम इंक्रीमेंट होता है और सेम ही आपका सब कुछ रहता है बस क्या होता है कि इसके अंदर जो है एन के अगर हमने एन पोस्ट फिक्स दिया तो पहले वैल्यू प्रोसेस होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा अगर प्रीफिक्स दिया है तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उसके बाद प्रोसेस होगा मुझे उम्मीद है कि आज आज का भी ये लेक्चर नंबर सेवन आपको समझ आ गया होगा मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें